आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली और इसी बीच पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंजाब प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री और CLP नेता चरणजीत सिंह चन्नी, अंबिका सोनी समन्वय समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़, अभियान समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष शामिल है। पार्टी की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है, जिसके अध्यक्ष पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। तो वही पंजाब चुनाव समिति, जिसे आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का काम सौंपा गया है, उनकी अध्यक्षता PPCC प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा पंजाब के सभी सांसद भी पैनल के सदस्य होंगे। तो वहीं बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और PPCC के पूर्व प्रमुख HS हंसपाल और मोहिंदर सिंह कापी को भी पैनल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। बताते चले कि इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को साफ संदेश देते हुए कहा था कि वो सिर्फ शोपीस बनकर नहीं रह सकते हैं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।